प्रिय बच्चों, ऑनलाइन की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप सुबोध संस्कृत माला से पाठ 7 नीति श्लोका पढ़ेंगे। तो बच्चों, श्लोक पढ़ते हैं। सुख मा पतितम सेव्यम, दुख मा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। अर्थात जीवन में आने वाले सुख का आनंद लें तथा दुख को भी स्वीकार करें। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुख और दुख तो एक के बाद एक चक्र की भांति आते ही रहते हैं। एक बार और देख लें। जीवन में आने वाले सुख का आनंद लें तथा दुख को भी स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में सुख और दुख जीवन रूपी रथ के दो पहिए होते हैं। तो जीवन में सुख और दुख दोनों लगा रहता है। सुख और दुख तो एक के बाद एक चक्रवत आते ही रहते हैं। दूसरा श्लोक है। राजा कुलवधु विप्रा मंत्रिणाश्च पयोधरा स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशाः नखाः नराः। अर्थात जिस प्रकार राजा कुलवधु ब्राह्मण मंत्री और पयोधर अगर अपने स्थान से हट जाएं तो उसी तरह से अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशाः नखाः नराः। उसी तरह से अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार मनुष्य के बाल दांत नख आदि अपना स्थान छोड़ दें तो यह कदापि शोभा नहीं देते, अर्थात शरीर विकृत हो जाता है। वैसे ही किसी भी मनुष्य को अपना स्थान गुण सत्कार्य इत्यादि का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है। शास्त्राण्यतीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषध मातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगम्। यानी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी बहुत से लोग मूर्ख रह जाते हैं, परंतु यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान, परंतु जो क्रियाशील कर्मठी हैं वही सही अर्थ में विद्वान हैं। जैसे सुचिंतितम चौषधा मातुराणाम न मानना मात्रेण करुत्य रोगम। जैसे किसी रोगी के प्रति केवल अच्छी भावना से निश्चित किया गया औषध रोगी को ठीक नहीं कर सकता, वह औषध नियमानुसार लेने पर ही रोगी ठीक हो सकता है। चौथा श्लोक है। अचिंतितानि दुखानि यथैवा यान्ति देहिनां सुखान्यापि तथा मन्ये दैवं त्रातिरिच्यते। अचिंतितानि दुखानि यानी दुख जिस प्रकार बिना सोचे समझे शरीर में आता है, प्रवेश करता है, वैसे ही यथैवा यान्ति देहिनां वैसे ही सुख भी शरीर में प्रवेश करता है। सुखान्यापि सुख के लिए तथा मन्ये दैव मत्रा रिच्यते। तथापि सुख के लिए भाग्य, देव मतलब होता है भाग्य, भाग्य प्रबल है यह मैं मानता हूँ कि सुख के लिए, सुख जब शरीर में आता है तो उसके लिए भाग्य प्रबल होता है। अगला श्लोक है। न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने कृपणस्य धनम पाति वहिं तस्कर पार्थिवै। अर्थात
जिसका धन यानी उस कंजूस के बारे में चर्चा हो रही है श्लोक में, कि जिसका धन न देवता के लिए न देवाय, न देवता के लिए न विप्राय, न ब्राह्मण के लिए, न बंधुभ्यो, न भाई बंधुओं के लिए, न च आत्मने और न ही अपने लिए, उस न ही अपने लिए उसका धन खर्च होता है, उस कृपणस्य धनम पाति वहिन तस्कर पार्थिवै, उस कंजूस का धन आग, चोर और मिट्टी को चला जाता है। उस कंजूस का धन आग, चोर और मिट्टी को चला जाता है। तो बच्चों, आपका पाठ यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको श्लोक समझ में आया होगा। श्लोक समझने के लिए उसके शब्दार्थ को आपको याद करना होगा। तो बच्चों, इसके जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे बहुत ही सुंदर अक्षरों में, और श्लोक को याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।